नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। MGM अस्पताल में अस्पताल की नई G+6 बिल्डिंग का निर्माण होगा। इस 6 मंजिला इमारत में MGM अस्पताल को शिफ्ट किया जाएगा ताकि MGM अस्पताल को जर्जर इमारतों से निजात मिल सके। इस G+6 बिल्डिंग के बन जाने के बाद MGM अस्पताल का नक्शा ही बदल जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 7 नवंबर को जमशेदपुर आ रहे हैं। वह MGM अस्पताल में प्रस्तावित इस G+6 बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो चुकी है। DC विजया जाधव बुधवार की शाम MGM अस्पताल पहुंची और उन्होंने MGM अस्पताल और वहां पर स्थल निरीक्षण करेंगी। DC विजया जाधव ने कहा कि अगर इच्छा शक्ति हो और फंड का अभाव ना हो तो कम समय में बड़ा काम किया जा सकता है। MGM अस्पताल इसका उदाहरण है। DC विजया जाधव ने कुछ महीने पहले जब पहली बार MGM अस्पताल पहुंची थी तो वहां की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। इमरजेंसी में जगह तक नहीं थी। MGM अस्पताल में सुअर घूम रहे थे, लेकिन अब इसकी स्थिति काफ़ी बदल गई है। इमरजेंसी का एक्सटेंशन कर दिया गया है। इसके अलावा पैवर्स ब्लॉक बिछाए गए हैं। बर्न वार्ड में पानी भर जाता है। कुछ दिन पहले बरसात ने बर्न वार्ड में पानी भर गया था, इससे काफ़ी परेशानी हुई थी। DC विजया जाधव ने बताया कि पानी निकलने का रास्ता बनाया गया, साथ ही कई चैनल बनाकर पानी निकलने का खाका तैयार किया गया है। DC विजया जाधव के साथ ADM लॉ एंड ऑर्डर NK लाल समेत अन्य प्रशासनिक और MGM अस्पताल के अधिकारी मौजूद थे। DC विजया जाधव ने निरीक्षण के दौरान MGM अस्पताल के सुंदरीकरण के लिए चल रहे कार्य का भी जायजा लिया। तीन महीना पहले आई थी, फिर 3 महीना के बाद आए, कितना अंतर हुआ MGM में और आगे क्या प्लान है? ये देखिए, अगर आपका इच्छा शक्ति हो और आप अपने सारे रिसोर्सेज पुल करें तो कितने कम समय में कितने मेजर बदलाव आ सकते हैं, उसका MGM ये खास उदाहरण है। अब आपको याद ही होगा, 2-3 महीने पहले हम लोग जब आए थे तो किस तरह से यहाँ पे बहुत सारे सुअर घूमते थे, नालियाँ खुली थी, पानी ओवरफ्लो हो रहा था, बहुत सारे जगह पे अंडर कंस्ट्रक्शन या जो डिब्रिज था उसका सामान कैसे इधर उधर पड़ा हुआ था, बीच में वो जो रोड था वो रोड कैसे टूटा हुआ था, तालाब बना हुआ। तो हाँ, आपको याद ही होगा, सबको याद है, लगभग अभी सब कुछ ऐसे लग रहा है जैसे स्पेस बढ़ गई है। यहाँ पे पेवर्स का ब्लॉक का काम हो गया है। इमरजेंसी की सिचुएशन ऐसी थी कि लोग लिटरली फर्श पे या पैसेजेस में दीवारों के किनारे किनारे सोए हुए थे। तो ये जब एडिशनल हमारे 20-25 बेड ऐड होंगे तो वो एक दयनीय स्थिति है कि कोई इतने दूर से यहाँ आया हुआ है और हम उसको बेड भी नहीं दे सकते। ये जो इमेज है वो हमने इस एक्सटेंशन से बदल दी है और जो हमने CSR के तहत कुछ हमें एडिशनल बेड्स मिले हुए हैं वो बेड्स भी हम यहाँ पे लगवाएंगे। इवन निकू जो था, निकू सेंटर, वो भी काफ़ी कंजेस्टेड जगह पे था और उसको भी अभी पुराना कोविड का जो एरिया था उसको इवैक्यूएट करके वहाँ से सामान शिफ्ट करके उसको वहाँ पे शिफ्ट किया है। तो काफ़ी गौरव की बात है कि MGM जो एक ज़िले के लिए ही नहीं बल्कि एक रीजनल हॉस्पिटल है, रीजन एक बहुत बड़ा टर्म होता है, तो यहाँ पे बहुत तरह के लोग आते हैं, बहुत जगह से लोग आते हैं। इवन आप देखेंगे कि कुछ ओडिशा, वेस्ट बंगाल बॉर्डर के भी यहाँ पे पेशेंट्स आए हुए हैं। तो इतने डीपर एंड लार्जर एरिया को ये हॉस्पिटल केटर करता है। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।